नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपाली यादव जी, मोनू त्रिपाठी जी, रीनू जी, वर्षा जी, पूजा जी, संतोष जी, तुलसी जी, श्रीम जी, अर्पणा जी, प्रांजल जी, आनंदिता जी, आप सभी लोगों का, हरीश साहू जी, आप सभी लोगों का आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज जो हमारा भक्ति काल है उसका आखिरी वीडियो है, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। आप लोगों के फ़ोन आते हैं, आप लोग इन वीडियोस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं। महापात्र नर हरि बंदी जन, ठीक है, इनका जन्म संवत 1562 में और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। उपाधियां पूछ ली जाती हैं कहां से मिली थी, तो ध्यान रखिएगा, महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पे और कवित्त कहे हैं। क्या कहा है? इन्होंने जो भी अपने पद बनाए वो छप्पे और कवित्त में। इनके बनाए गए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं कि अकबर ने गोवध बंद कराया था। ठीक है, देखिए इस पुस्तक में भी काफ़ी सारी जो है ना टंकड़गत अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, गोवधा लिखा है। कहते हैं कि इनके यानी नरहरि बंदी जन के एक दोहे की वजह से अकबर ने गोवध बंद करा दिया था, पूछा जा चुका प्रश्न है और आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। दोहा देख लेते हैं। अरिहु दंत तिन धारे ताही नहीं मारी सकत कोई, हम संतन तिन चरहि वचन उच्चारहि दीन होई, अमृत पै नित श्रावहि बच महि थंभन जावहि, हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पियावहि, है ना। कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनवत गौ जोरे करन, अपराध कौन मोहि मारियत, मुए हु चाम सेवन सेवई चरण। कई जगह इसमें टंकड़गत अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो पदों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये हमने इन बंदीजन नरहर बंदीजन के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण यही इनका दोहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नरोत्तम दास जी की। ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे, ठीक है, सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है, मतलब वो शिव 1602 में जीवित थे या वर्तमान थे। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि ये छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो कवि होते हैं वो दूसरे के शब्द या भर्ती के शब्द अपने उसमें प्रयोग करते हैं, वैसे शब्द नरोत्तम दास जी के पदों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है, पर कहीं देखने में नहीं आया। मतलब ये सुना जाता है कि इन्होंने ध्रुव चरित्र भी लिखा, लेकिन अभी देखने को नहीं मिला है, मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सुदामा चरित्र का ये सेवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। देखते हैं कौन सा सेवैया की बात कर रहे हैं शुक्ल जी। अरे ये सेवैया तो आप सबने सुन रखा होगा। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान को नहीं सामा,
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो बेसुद अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धर्म बतावत अपनो नाम सुदामा। है ना, कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक यह और सवैया देखिए। कैसे बिहाल बिवाइन सोभे कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निध धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए। है ना, चलिए ये हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं हम लोग आलम की। आलम ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे। इन्होंने 901 हिजरी का मतलब संवत 1639-40 में माधवानल काम कंदला नाम की एक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। 5-5 चौपाइयों यानी अर्दलियों पर एक दोहा या सोठा लिखा। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। देखिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको गहराई से बता दिया है, तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई है। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश की चली आती हुई कहानी है। मतलब एक जो कहानी जो प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा से चली आती हुई कहानी थी वही है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। देखिए उन्होंने रचना काल के इस प्रकार बताया है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना सप्त दीप में जाकियाना। धर्मराज सब देश चलावा हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। ठीक, सन 991 आही करो कथा और बोलो ताही। अब बात करते हैं आलम की बात हो गई, अब बात करते हैं टोडरमल की। महाराज टोडरमल है ना, ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पहले ये कहाँ थे, शेरशाह के यहाँ। पीछे यानी बाद में ये अकबर के समय में भूमि कर विभाग में मंत्री हुए। इनका जन्म कौन से विभाग में, भूमि कर विभाग में यानी कि लैंड टैक्स। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया। ध्यान रखिए, इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी की जगह फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकर कवित्त इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है, देख लेते हैं। जार को विचार कहाँ, गनिका को लाज कहाँ। गधा को पान कहाँ, आंध्रे को आरसी। निगुने को गुण कहाँ, दान कहाँ दरिद को। सेवा कहाँ, सूम की अरंडन की डारसी। मद्यपी को सुचि कहाँ, सांच कहाँ लंपट को। है ना, मद्यपी को सुचि कहाँ, सांच कहाँ लंपट को। नीच को बचन कहाँ, स्यार की पुकार सी। टोटर सुकवि ऐसे हठी तो टारे न टारे टरे। टोडर सुकवि ऐसे हठी तो न टारे टरे। भावे कहाँ सुधी बात, भावे कहाँ फारसी। अब देखिए इन्होंने हिंदी की जगह फारसी का प्रचार कराया था, याद रखिएगा। महाराजा बीरबल, इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं। इनका नाम था महेश दास। बीरबल का क्या नाम था, महेश दास। अकबर और बीरबल बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी ने सुना होगा। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उसी पर यह खुदा है। संवत 1632 साके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगा दास सुत महाराज बीरबल श्री तीरथ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखत। ठीक है, यह लेख
महाराजा बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। मतलब अगर इनका नाम महेश दास था तो गंगादास इनके पिताजी का नाम संभावित है, हो सकता है। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। हिंदी साहित्य में ज़्यादातर साहित्यकारों ने अपने बारे में बहुत कुछ शुरू में लिखा नहीं था, जो थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया उसी से अंदाज लगाया जाता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपि रत्नाकर सुतधीर बसत त्रिविक्रमपुरा तरण्य तनु जातीर। बीरबल के जहाँ उपजे कवि अरुरूप, देव विहारेश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध है ही है कि अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े वाक्य चतुर और प्रत्युन्नमति थे, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति थे। और इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं कि केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए और केशव दास जी की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ करा दिया था। मतलब केशव दास को 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास के कहने पर इन्होंने ओरछा नरेश का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करा दिया था। इनके मरने पर अकबर ने ये सोरठा कहा था, बीरबल ने अकबर को भी कवि बना दिया था। देखिए क्या कहा था इन्होंने, अकबर ने, पद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दीन देख सब दीन, एक न दीन हो दुसह दुख, सो अब हम कहाँ दीन, कुछ नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर 100 कवित्तों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे, बहुत ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कविता में बीरबल अपना नाम ब्रह्म रखते थे, ठीक है। 2 उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बीरबल थे वो ब्रह्म नाम रखते थे अपना कविता में, ध्यान रखिएगा। उछर उछर भेकी झपटे उरग पर, उरग के केकिन के लपटे लह की है, केकिन के सूरत ही ये की ना कछु है भय, एक ही करी के हरि ना बोलत बह की है। कहे कभी ब्रह्म बारी हेरत हरिन फेरे, देखे कहत कभी ब्रह्म, कहत कभी ब्रह्म, कहत कभी ब्रह्म बारी घेरन हेरत हरिन फेरे, बहर बहत बड़े जोर को जह की है, तरनी के तानव तवासी भई भूमि रही, दसहु दिशान में दवारी सी दह की है। और ये देख लीजिए कुछ, पूत कपूत कुलक्षण नारी, लराक परोरी लजायन सारो, बंद कुबुद्धि पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीत सुधा धूत तारो, साहब सोम अड़ाक तो रंग, किसान कठोर दीवान नकारो, ब्रह्म, फिर देखिए ब्रह्म आया है, ब्रह्म भने सुन साह अकबर, 12 बांध समुद्र में डारो। समझ गए, इतने लोगों को बीरबल जी ने यानी ब्रह्म ने समुद्र में डाल देने को कहा है अकबर से। चलिए हम लोग अभी गंग के बारे में पढ़ते हैं। गंग ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनका जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्तांत ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं और अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने से पहले इन्होंने ये दोहा कहा था, कबहू न भड़ौघा रंग रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, बम्ब लिखा है बंग है, सकल सभा को प्रणाम कर
ये है देखिए, सकल सबांग प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। इसके अतिरिक्त और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, मतलब किस बात का, कि इनको हाथी से चिरवा दिया गया था। एक भय प्रेत एक मिर्च मारे हाथी, ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जिरो तहां पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कहो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुनी चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराई, ठीक है, गनी ऐसे गुनी को गयंद सो चिराई। इन प्रमाणों से घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहा करते थे, ठीक है, और सत्य तो हमेशा कड़वा लगता ही है लोगों को। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग द्वय भय सुकविन के सरदार। कहते हैं रहीम खान खाना ने एक छप्पे पर क्या लिखा है, 36 लाख होगा, हाँ 36 लाख छपा हुआ, गलत है, टाइपिंग एरर है, 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे ये है, कभी देख लेते हैं। चकित भवर रही गयो गमन नहीं करत कमलवन, अही फन मन नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन घन। हंस मानसर तजो चक चक्की नहीं मिले अति, चक्की न मिले अति बहु सुंदर पद्मनी पुरुष न चाहे न करे रति। खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यो, खाखन खान बैरम सुवन जब ही क्रोधि करी तंज कस्यो। ठीक है, सारांश ये है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई भी पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग्य वैदिक्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य का पुट भी बड़ी निपुणता से ही अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसी वस्तु व्यंग पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय के रुचिकों को रंजित करने वाले सारे गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब उस समय जो सहृदय लोग थे या रसिक लोग थे या पसंद कविता को पसंद करने वाले, कुछ भी कह लीजिए, जो ऐसे लोगों को जो गुण अच्छे लगते थे, मतलब उनको खुश करने वाले जो भी गुण होते थे वो सब इनमें थे, इसमें किसी बात का संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी के अंत से मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। बैठी थी सखिन संग पियो को गावन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। समझे, गंग कहे त्रिविधा सुगंधा है पवन बहो, लागत ही ताके तन भई बिथा जर की। प्यारी को परसि पौन गयो मान सार कहे, लागत ही औरोगति भई मान सर की। जल चर जरे और सेवार जरी छार भयो, है ना, जल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की। सुजक कृपान मैं दान जो उदोत भान, एकन ते एक मानो सुषमा जरद की। कहे गवि गंग ते बाल को बयारी लगे, फूटी गज घटा पन घन घटा जो सरद की। एते मान सोनित की नदियां उमड़ चली, रही न निशानी कहूं मही की गरद की। गौरी गए हो गिरिपति गणपति गए हो गौरी, गौरी गए हो गिरिपति गणपति गए हो गौरी,
गौरीपति कहीं पूछ लपकी बरद की। देखन के वृक्षन में दीरग सुभान सुभाए भान, कीर चलो चाखी बे को प्रेम जिग जाग्यो है। लाल फल देख के जटान मड़ रान लागे, देखत बटोही बहु तेरे डग मग्यो है। कवि गंग फल फूटे भुआ अधिराने लाखी, सब ही निराश हवे की निज ग्रह भाग्यो है। ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर बिसासी बहु तेरन को ठग्यो है। मनोहर कवि, ये एक अच्छे कछवाहे सरदार थे, है ना, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना नाम तौसनी रखते थे। मनोहर कवि अपना नाम फारसी कविता के लिए तौसनी रखते थे, उपनाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तक बनाई है। अभी ज़्यादातर ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, पर आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, सत प्रश्नोत्तरी मनोहर कवि। और नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। दो चार नमूने देख लीजिए। इंदु बदन नरगिस नयन, संबुल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन, जेहि लख लाजत मार। विथुरे सुथुरे चीकने घने घने घुगुआर, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार। अचरज मोही हिंदू तुरुक, बादी करत संग्राम, इक दीपति सो दीपियति काबा काशी धाम, है ना, एक दीपत सो दीपियति काबा काशी धाम। अब चलिए बलभद्र मिश्र, अभी आपने इनका नाम इस पुस्तक के अलावा कम ही सुना होगा। ये ओरछा के सनाट्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। ठीक है, बलभद्र मिश्र केशव दास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नख श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें नायिका के अंगों का वर्णन उपमा उपेक्षा संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया गया। ये केशव दास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। या तो ये केशव दास के समकालीन थे या उसके थोड़ा पहले के होंगे, जो रीति के अनुसार कविता करने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे। कृपा राम ने जिस प्रकार रस रीति का आलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इसका रचना काल संवत 1640 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नख सिक्के अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत पुस्तकें लिखी होंगी, है ना। जब इंसान लिखते लिखते मंच जाता है, वैसे वैसे उसमें गंभीरता आती जाती है। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्षिक की एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र कृत तीन और ग्रंथों का उल्लेख किया है, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक ग्रंथ और मिला है, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। दूषण विचार, दूषण का मतलब दोष से लेके, आप बता सकते हैं कि दूषण विचार यानी काव्य दोष। ठीक है, लिखने वाले बलभद्र मिश्र। नक्षिक के दो कवित्त उद्धृत किए गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनके नक्षिक के दो कवित्त। पाटल नयन कोक नद के दल दो, बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा केंदो, देव धुरी भारती मिली है पुण्य काल में।
काम कैवरत कैंधो ना सिकर उड़े उड़प बैठो खेलत सिकार तरुणी के मुख ताल में लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो मांदो जुग मीन लाल रेशम की डोर में मरकत के सूत केंदो पन्नग के पूत अति राजत अभुगतम राज कैसे तार हैं मख तोल गुन ग्राम सोभति सरस श्याम काम मृग कानन के कोहू के कुमार हैं गोप की किरण के जलज नाल नील जन तंतु उपमा अनंत चारु चीवर श्रृंगार हैं कारे सट कारे भी जे सौंधो से सुगंधा बास ऐसे बल भर्द नव बाला तेरे बार हैं बालों पे इतना कह डाला है। चलिए जमाल ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोइश्रु हृदय मुसलमान कवि थे। इनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया जाता है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे सादे ढंग से की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की नृपुणता थी जिससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं। चलिए इनके नमूने भी देख लेते हैं। पूनम चांद कुसुम्भ रंग नदी तीर द्रुमडार रेत भीत भूस ली पुणो ए थिर नहीं जमाल रंग जचोर मजीठ का संत वचन प्रतिपाल पाहण रेख रु कमर करम कर एक रिमे लिपटे एक किमे मिटे जमाल जमला ऐसी प्रीतिगर जैसी केस कराए कै काला के उजरा जब दब सिर स्यू जाए मनसा तो गाहक भय नैना भय दलाल धानी बसत बेचे नहीं किस विधा बने जमाल बाल पड़े धौला भया तरुण पड़े भया फ्रत पड़े काला भया कारण कोड़ कमा जमाल कामिण जावक रंग रचियो दमकत मुक्ता कोर इम हंसा मोती तजे इम चुगलिए चकोर। इसके बाद केशव दास जी का है। केशव दास जी के जो वर्णन है काफ़ी लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुझे भक्तिकाल पे अभी एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को भक्तिकाल में रखा है, ये बात भी ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो अब भक्तिकाल के लिए मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो क्योंकि मैं बता रही हूँ रामचंद्र शुक्ल जी का जो वीडियो बना रही हूँ, वास्तव में आपको अच्छा ना लग रहा हो तो बता दीजिएगा, मुझे इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मुझे लग रहा है लोग पसंद इसको कर नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये अच्छा लग रहा है, उनके रिक्वेस्ट पे उनके कमेंट्स की वजह से मैं इसको बंद नहीं कर रही है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कम से कम जिनको अच्छा लग रहा है वो अप्रिशिएट करें, लाइक करें और इसको शेयर करिए, कमेंट करके बताते रहिए, फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, आपका साथ बना रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।